लॉन्ग जंप के लिए साइकिलिंग या अन्य डिफिकल्ट टेक्निक की बात नहीं करेंगे, बल्कि लॉन्ग जंप में मास्टरी करने के लिए सबसे सरल और कम समय में ट्रेन होने के लिए आर्च टेक्निक सबसे बेस्ट है। आर्च टेक्निक में टेक ऑफ बोर्ड से कूदते समय हमारे शरीर की पोजीशन धनुष के आकार जैसी हो जाती है, इसलिए इसे आर्च टेक्निक कहा जाता है। चाहे आप पुलिस भर्ती के लिए तैयारी करें या स्टेट, डिस्ट्रिक्ट या नेशनल इवेंट के लिए, इस टेक्निक से सरल और आसान टेक्निक दूसरी नहीं है। बिगिनर्स भी इस टेक्निक से केवल 3 से 4 दिन में परफेक्ट हो सकते हैं। बेसिकली गाइज, ये वीडियो लॉन्ग जंप टेक्निक्स और रूल्स पर है। सबसे पहले टेक्निक्स को जानेंगे, आगे लॉन्ग जंप रूल्स पर बात करूंगा। ये क्लिप देखें, ये आर्च टेक्निक है। टेक ऑफ लेग को जितना संभव हो फैलाकर टेक ऑफ लें। सैंड पिट में लैंड करते समय हाथ और पैर आगे की तरफ फैलाते हुए लैंड करें। लैंडिंग के दौरान सबसे पहले दोनों पैरों की एड़ियां एक साथ टिकाएं और फिर हिप्स। इसके बाद हाथों का सपोर्ट लेते हुए आगे की तरफ गिर जाएं। इससे घुटनों पर ज्यादा जोर नहीं आएगा, शरीर का जो पार्ट पहले टच होगा लैंड की माप वहीं से ली जाएगी, इसलिए हाथों का सपोर्ट लेते हुए आगे की तरफ गिरना है। रनवे से टेक ऑफ बोर्ड तक किसी भी कीमत पर आपको एक ही रनिंग स्पीड मेंटेन करना है और टेक ऑफ बोर्ड से अपनी स्पीड को रैपिड बूस्ट देकर कूदना और बॉडी बैलेंस को भी मेंटेन करना है, ताकि पहले प्रयास में ही ज्यादा से ज्यादा दूरी कवर हो सके। रनवे से फाउल बोर्ड तक स्टेप्स सेट कर प्रैक्टिस करते रहें। शुरुआत में प्रैक्टिस के समय फाउल बोर्ड को न देखें, केवल पूरा ध्यान रनिंग पर ही होना चाहिए, अन्यथा स्टेप भी छोटा होगा और जंप दूरी भी कम हो जाएगी। डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करने पर फाउल बोर्ड तक स्टेप्स ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगे। टेक ऑफ बोर्ड से टेक ऑफ लेने के लिए यहां स्क्रीन पर राइट टिक वाली ऊंचाई देखें। कूदते समय इससे ज्यादा ऊंचाई न लें, इससे ज्यादा ऊंचाई लेकर जंप करने पर जंप डिस्टेंस कम हो जाएगा। मध्यम ऊंचाई लॉन्ग जंप दूरी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी टेक्निक है। सपोज मेल फीमेल कैंडिडेट्स को 11 फीट लॉन्ग जंप की तैयारी करना है, तो उन्हें कम से कम 13 फीट लॉन्ग जंप को टारगेट कर प्रैक्टिस करना चाहिए। इससे उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में घबराहट या टेंशन भी नहीं होगी। रनवे पर रनिंग और टेक ऑफ के दौरान अपने हाथों को टाइट न रखें, बल्कि उन्हें फ्री रखें और अपने बॉडी मूवमेंट के साथ हिलाते रहें। लॉन्ग जंप रनवे की न्यूनतम लंबाई 40 मीटर होती है, यानी 40 मीटर से कम लंबाई का रनवे नहीं हो सकता, जबकि अधिकतम लंबाई की बात करें तो 45 मीटर अधिकतम लंबाई होती है। अथवा आप यूं समझें कि लॉन्ग जंप रनवे की लंबाई 40 मीटर से 45 मीटर के बीच में ही होगी, न तो इससे ज्यादा और न कम। आप इसी दूरी को नोटिस करते हुए दौड़ दौड़ कर तैयारी करते रहें और स्वयं का मूल्यांकन करते रहें। ये टेक ऑफ बोर्ड है जिसकी चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होती है। इसी के ऊपर एक पैर टिकाते हुए हवा में उछलते हुए आपको सैंड पिट में लैंड करना होता है। सैंड पिट की लंबाई 7 मीटर से 9 मीटर के बीच होती है, जबकि चौड़ाई 2.75 से 3 मीटर के बीच होती है। लॉन्ग जंप स्पोर्ट में टेक ऑफ बोर्ड को व्हाइट कलर से दर्शाया जाता है, जिसकी चौड़ाई 22 सेंटीमीटर होती है। इसी बोर्ड के पास येलो कलर या ब्लू कलर की पट्टी होती है, जिसे फाउल बोर्ड या फाउल लाइन कहा जाता है। एथलीट के रनवे पर आने के बाद 1 मिनट के भीतर लॉन्ग जंप पूरी करनी होती है। कूदने के तुरंत बाद सबसे नजदीक टेक ऑफ पॉइंट से मेजरमेंट लिया जाता है। लॉन्ग जंप कूद की दूरी फाउल लाइन के प्रथम छोर से एथलीट के फर्स्ट लैंडिंग पॉइंट तक ली जाती है। यदि कोई एथलीट टेक ऑफ बोर्ड के पीछे से भी टेक ऑफ लेता है
तो भी कूद की दूरी फाउल लाइन के प्रथम छोर से एथलीट के फर्स्ट लैंडिंग पॉइंट तक ली जाएगी। लॉन्ग जंप में एथलीट के शूज के सोल की अधिकतम मोटाई 13 mm होना चाहिए। सोल की मोटाई इससे कम चलेगी पर इससे अधिक नहीं, पर यह रूल केवल नेशनल इवेंट में फॉलो किया जाता है, पुलिस भर्ती में नहीं। गाइज, लॉन्ग जंप टोटली टेक्निक्स और ट्रिक्स पर डिपेंड करता है, लेकिन पैरों में जान डालने के लिए लॉन्ग जंप वर्कआउट भी जरूरी है। इस चैनल पर लॉन्ग जंप, हाई जंप बढ़ाने वाले वर्कआउट पर 10 से ज़्यादा वीडियोस उपलब्ध हैं, जिनमें 100 से ज़्यादा वर्कआउट को बताया गया है। आप इनमें से कोई भी 8 से 10 वर्कआउट 10 से 15 दिन करके देख लेना, साथ में 1 घंटा लॉन्ग जंप प्रैक्टिस भी करते रहना, आपका लॉन्ग जंप तेजी से बढ़ता जाएगा।